अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं 30 बहुत ही कॉमन और डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्प आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। उसे किताबें पढ़ने का शौक है। शी लव्स टू रीड बुक्स। शी लव्स टू रीड बुक्स। सब कुछ कंट्रोल में है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। Everything is under control. वो अपने दोस्त से मिलने गया। He visited his friend. He visited his friend. ये आपका फैसला है। It's your decision. It's your decision. मुझे नींद आ रही है। I am feeling sleepy. I am feeling sleepy. क्या आपने ये देखा है? Have you seen this? क्योंकि ये सवालिया फिक्र है, इसलिए सेंटेंस में हैव सेंटेंस के शुरू में आया है। हैव यू सीन दिस। बुरा मत मानो। डोंट माइंड। डोंट माइंड। देर ना करें। डोंट डिले। डिले का मतलब है देर। डोंट डिले, देर ना करें। मैं पहले नहीं समझ सका। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एट फर्स्ट। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, इसलिए यहाँ पर है आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एट फर्स्ट। उसे यहाँ ले आओ। गेट हिम हियर। गेट का मतलब है ले आओ। हिम उसे, हियर यहाँ। गेट हिम हियर, उसे यहाँ ले आओ। आप गिर सकते हैं। यू मे फॉल। मे का मतलब है सकते हैं। फॉल गिरना। यू मे फॉल, आप गिर सकते हैं। मुझे परेशान मत करो। डोंट बोदर मी। डोंट बोदर मी। बहाने बनाना बंद करो। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस का मतलब होता है बहाने बनाना। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। दोबारा कहो। से इट अगेन। से इट अगेन। बिल्कुल फिक्र ना करो। डोंट वरी एट ऑल। डोंट वरी एट ऑल। मुझे अभी जाना है। आई एम टू गो नाउ। अभी जाना है, गो नाउ। आई एम टू गो नाउ। गो नाउ का मतलब है अभी जाना है। आई एम टू गो नाउ। वो एक मतलबी दोस्त है। ही इज अ मीन फेलो। मीन मतलब मतलबी, फेलो दोस्त। ही इज अ मीन फेलो। मैं आपको सुन नहीं सकता। आई कांट हेयर यू। हेयर का मतलब होता है सुनना, इसलिए यहाँ पर हेयर इस्तेमाल किया गया है। आई कांट हेयर यू, मैं आपको सुन नहीं सकता। क्या मैं जल्दी घर जा सकता हूँ? कैन आई गो होम अर्ली। कैन आई गो होम अर्ली। जरा ऊंची आवाज में बोलो। स्पीक अ लिटल लाउडर। लिटल लाउडर मतलब जरा ऊंची। स्पीक अ लिटल लाउडर। तुम इतने सुस्त क्यों हो? व्हाई आर यू सो लेजी। व्हाई आर यू सो लेजी। सो लेजी मतलब इतने सुस्त। मेरा ये मतलब नहीं था। आई डिड नॉट मीन इट। आई डिड नॉट मीन इट। मुझे कुछ पूछने दो। लेट मी आस्क समथिंग। लेट मी आस्क समथिंग। वक्त तो देखो। लुक एट द टाइम। लुक एट द टाइम। जो मैं कहती हूँ करो। डू व्हाट आई से। डू का मतलब करो। व्हाट आई से, जो मैं कहती हूँ। डू व्हाट आई से। घर वापस आओ। कम बैक होम। कम बैक मतलब वापस आना। कम बैक होम। सब ठीक है। ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। कुछ देर आराम करो। रेस्ट अ व्हाइल। रेस्ट अ व्हाइल। मुझे तुम पर यकीन है। आई बिलीव इन यू।
आई बिलीव इन यू, मुझे एहसान नहीं चाहिए। आई डोंट नीड फेवर, डोंट नीड मतलब नहीं चाहिए, फेवर मतलब एहसान। आई डोंट नीड फेवर। सही वक्त का इंतजार करो, वेट फॉर द राइट टाइम, वेट फॉर द राइट टाइम। मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर, आई एम हियर। तो ये था आज का हमारा लेसन। उम्मीद करती हूँ आपने इस लेसन से काफी कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह की मजीद लेसन की वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।